एक क्वेश्चन 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं लेफ्ट साइड्स, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या होता है कि जो कॉस और कॉट के फॉर्म में सेक के फॉर्म में दिया है, सबसे पहले हम लोगों को इसको साइन कॉस के फॉर्म में करते हैं। चलिए हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/(sin) साइन थीटा, एंड कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा 1/(sin) साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप कर लेते हैं साइन इस साइन एलसीएम ले लेते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा एक माइनस साइन से साइन फिन कट कट गया, फिर बचेगा कॉस ए का होल स्क्वायर नीचे साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू हम लोग दो बार लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला, जिसका होता है ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से कट जाएगा, बच जाएगा हमें फाइनली 1 माइनस कॉस ए बटा में 1 प्लस कॉस ए, दैट इज आर एच एस। सो फाइनली इट इज प्रूफ।